सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होंगी। गाइस, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। मेरे पास ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पर कई भाई ने सेंड करी थी कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ले लेनी है जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो लेने के बाद गाइस आपको लास्ट में चले जाना है, यह ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। अभी गाइस आपको चेक करना है कि आपने जो फ़ोटो लिए वो यहाँ पर कितने सेकेंड की है। जैसे यहाँ पर ये फ़ोटो 3 सेकेंड की है तो गाइस आपको इसकी लेंथ खींच कर बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको अपने फ़ोटो की लेंथ करनी है 6 पॉइंट, यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिए 6 पॉइंट, जैसे मैं इसे कर लेता हूँ 6.57 पे, ठीक है 6.57 पे आपको कर लेनी है। 6.57 स्क्रीन पे टच करके ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पहले गाइस आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप ये वाली वीडियो को सेव नहीं करते हो तो आपकी वीडियो में गाइस स्प्लिट नहीं हो पाएंगे। वीडियो सेव होने के बाद आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर गाइस आपको बड़े वाले प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करना है। जो वीडियो गाइस आपने सेव करी आपको उसी वीडियो को लेना है। थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। अभी आपका जो फर्स्ट में फ़ोटो रहेगा उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, यहाँ से गाइस आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और यहाँ से गाइस आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस आपको अपने म्यूज़िक पर ये 23 बीट लगा लेनी है। 23 बीट आप किस टाइम पर लगाओगे? गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बीट टाइम बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या देखकर अपने म्यूज़िक में बीट लगा लेना। गाइस आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 0.10 पर, सेकेंड बीट 0.38 पर, थर्ड बीट 0.44 पर, फोर बीट 0.51 पर, फाइव बीट 0.58 पर, सिक्स बीट 0.65 पर, सेवन बीट 0.71 पर, एट बीट 0.78 पर, नाइन बीट 0.85 पर, टेन बीट 0.92 पर, इलेवन बीट 0.99 पर, ट्वेल्व बीट 1.05 पर, 13 बीट 1.10 पर, 14 बीट 1.17 पर, 15 बीट 1.23 पर, 16 बीट 1.30 पर, 17 बीट 1.36 पर, 18 बीट 1.42 पर, 19 बीट 1.48 पर, 20 बीट 1.53 पर, 21 बीट 2.52 पर, 22 बीट 3.81 पर, 23 बीट 5.10 पर। ये आपको 23 बीट्स लगा के नीचे आपको दो बार राइट कर देना है। अभी गाइस आपको दो फिंगर से वीडियो के लेयर को बड़ा करना है। यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट वाले बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है, सेकंड पर टच करना है, स्प्लिट करना है, थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी कि गाइस आपने जितनी बीट लगाई हैं आपको हर एक बीट पर टच करके अपनी वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर लेना है। सो गाइस, जैसे यहाँ पर मैं सभी बीट पे स्प्लिट कर चुका हूँ, अभी गाइस आपको इसमें एफएक्स लगाने हैं। एफएक्स गाइस आप कौन से लगाओगे? गाइस एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से एफएक्स लगाने हैं। ऐसे गाइस आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। बस गाइस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये वीडियो पहले से एफएक्स लगा के रख ली है, यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में कुछ नहीं करना है, आपको सेकंड फ़ोटो में आना है। यहाँ से आपको एक काम करता हूँ, मैं पहले जूम इन वगैरह बता देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में इफेक्ट बताऊँगा, ठीक है।
यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो को नॉर्मल रखना है, सेकंड को नॉर्मल रखना है। आपके बारीक बारीक फोटोस आएंगे ना यहाँ तक, तो आपको इनमें क्या करना है। तो गाइस देखिए, थर्ड नंबर के फ़ोटो को आपको इतना जूम करना है, फोर नंबर के फ़ोटो को नॉर्मल रखना है, फाइव नंबर के फ़ोटो को आपको इतना जूम करना है, सिक्स को नॉर्मल रखना है, सेवन को जूम करना है, एट को नॉर्मल रखना है, नाइन को जूम रखना है, टेन को आपको नॉर्मल रखना है, इलेवन को जूम करना है, ट्वेल्व को नॉर्मल रखना है, थर्टीन को गाइस आपको मिरर करना है। मिरर का ऑप्शन भी आपको नीचे मिल जाएगा, मिरर का आप देख रहे हो। थर्टीन फ़ोटो को मिरर करना है, फोर्टीन फ़ोटो को आपको फ़िलिप करके थोड़ा सा जूम करना है। जूम आप कैसे करोगे मैं आपको अभी बताता हूँ। फिफ्टीन फ़ोटो को गाइस आपको मिरर करना है, सिक्सटीन फ़ोटो को आपको फ़िलिप करके जूम करना है, सेवनटीन फ़ोटो को गाइस आपको मिरर करना है, और एटीन फ़ोटो गाइस आपको यहाँ से फ़िलिप करना है, नाइनटीन फ़ोटो को आपको जूम करना है, ट्वेंटी फ़ोटो को फ़िलिप करना है, ट्वेंटी फ़ोटो को फ़िलिप करना है। अब आप जूम कहाँ से करोगे, आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है, दो फिंगर से आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अभी आपका 21 नंबर का फ़ोटो आएगा, इसमें आपको इफ़ेक्ट लगाने हैं। मैं आपको इफ़ेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में आना है, नीचे आपको मिलेगा जूम, जूम पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में नहीं लगाना, आपको सेकंड पर आना है, जूम पर क्लिक करके सेकंड में आपको जूम इन लगाना है, ठीक है। बाकी आपके छोटे छोटे फ़ोटोज़ आ जाएंगे, इनमें आपको इफ़ेक्ट नहीं लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ना एक फ़ोटो काउंट करता हूँ पूरे को, ऐसे ना काउंट करने में परेशानी होगी बार बार, ठीक है। जैसे यहाँ पर वन फ़ोटो, सेकंड फ़ोटो, थर्ड फ़ोटो, और ये फोर फ़ोटो। फोर नंबर के फ़ोटो में आना है, नीचे आपको जूम पर आना है, फोर नंबर के फ़ोटो में आपको जूम में से नहीं लगाना। आपको फाइव नंबर के फ़ोटो में आना है, नीचे जूम पर आना है, फाइव नंबर के फ़ोटो आपको जूम इन लगाना है, ठीक है। सिक्स नंबर के फ़ोटो में गाइस आपको जूम आउट लगाना है, और सेवन नंबर के फ़ोटो में आपको जूम इन लगाना है, ठीक है। अभी आपको इफेक्ट्स भी लगाने हैं, तो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर नंबर के फ़ोटो में आना है, नीचे आपको मिलेगा इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको जिटर डाउन लगा के ग्रीन बॉर्डर आपको शुरू में रखना है, राइट कर देना है फोर नंबर के फ़ोटो में। अभी क्या करना है गाइस, यहाँ पर ये वाइट वाइट स्क्रीन देख रहे हो आप, यहाँ पर आपके में नीचे प्लस आ रहे होंगे, तो आपको इस प्लस पे क्लिक करके ये वाइट वाले इफेक्ट लगा के नीचे अप्लाई टू ऑल कर देना है, सारे फ़ोटोज़ में आपकी एक ही बारी में लग जाएगा, ठीक है। इनमें अब क्या करना है गाइस, आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करना है, यहाँ से गाइस 9.16 वाला साइज़ लगा देना है। हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी बनी है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज़ रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।